दोस्तों WWE सुपरस्टार जेउसो इस वक्त मंडे नाइट रॉ का पार्ट बन चुके हैं। रॉ में रिटर्न आने के बाद जेउसो ने एक बार फिर सैमी जान के साथ दोस्ती कर ली है। इसके साथ ही जजमेंट डे जेउसो को अपने फैक्शन में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जेउसो आने वाले समय में जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेते तो यह बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। इस वजह से WWE में काफी उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि अगर जेउसो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेते तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो पहला यह हो सकता है कि सैमी जेन एक बार फिर जेउसो के दुश्मन बन सकते हैं। दोस्तों जेउसो की रॉ में रिटर्न के बाद उनका रिंग में सैमी जेन के साथ आमना सामना हुआ था। इसके बाद यह दोनों सुपरस्टार गले मिलते हुए एक बार फिर दोस्त बन गए। हालांकि सैमी जेन के टैग टीम पार्टनर केविन ओवेंस को अभी भी जेउसो पर भरोसा नहीं है और जजमेंट डे इस टाइम केविन ओवेंस एंड सैमी जेन के बड़े दुश्मन है। और जजमेंट डे के मेंबर फिन बेलर एंड डेमियन प्रिस्ट ने ही केविन ओवेंस एंड सैमी जेन से अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। यही रीजन है कि अगर जेउसो जजमेंट डे को ज्वाइन करते तो यह चीज सैमी जेन को शायद ही पसंद आएगी। इस वजह से एक बार फिर सैमी जेन और जेउसो के बीच दुश्मनी शुरू हो सकती है। दूसरा यह हो सकता है कि जजमेंट डे से किसी मेंबर को बाहर किया जा सकता है। दोस्तों WWE लेजेंड एज ने जजमेंट डे की शुरुआत की थी। हालांकि जब फिन बेलर ने जजमेंट डे को ज्वाइन किया था तो उन्हें फैक्शन से बाहर कर दिया गया था। अगर जेउसो जजमेंट डे ज्वाइन करते हैं तो संभव है कि एक बार फिर इस फैक्शन से किसी मेंबर को बाहर किया जा सकता है। नहीं तो तीसरा यह हो सकता है कि जजमेंट डे वर्सेस द ब्लड लाइन फ्यूड की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों जजमेंट डे हाल के टाइम में द ब्लड लाइन की हेल्प करते हुए दिखाई दिए हैं। जजमेंट डे ने स्मैकडाउन के एक एपिसोड के दौरान एजे स्टाइल पर अटैक करके सोलो सिग्वा के लिए काम आसान कर दिया था। वही पिछले वीक स्मैकडाउन में जजमेंट डे और जिमी उसो की मुलाकात देखने को मिली थी। यही नहीं, जिमी उसो ने जजमेंट डे मेंबर फिन बेलर को एजे स्टाइल को हराने में हेल्प की थी। हालांकि जेउसो इस टाइम द ब्लड लाइन के बड़े दुश्मन बन चुके हैं। यही कारण है कि अगर जेउसो जजमेंट डे ज्वाइन करते हैं तो वह जजमेंट डे को द ब्लड लाइन के अगेंस्ट उसका कर इन दोनों फैक्शन के बीच फ्यूड की स्टार्टिंग करवा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर जेउसो जजमेंट डे ज्वाइन कर लेते तो हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती है, आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।